हेलो बच्चों, तो आज हम ये चैप्टर का दूसरा जो पार्ट है वो है भाषा सज्जता यानी व्याकरण यानी ग्रामर। तो यहाँ पे जो वाक्य है वो हमें सिर्फ पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। तो पहला है, लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई? शिक्षिका ने पूछा। शिक्षिका ने पूछा, क्या पूछा? कि भाई लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई है। दूसरा है, वाह गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है। वाह गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है। तीसरा है, किशन ने कहा, हाँ बेटी मैं तुम्हें खिलौने बनाना ज़रूर सिखाऊंगा। किशन ने कहा, हाँ बेटी मैं तुम्हें खिलौने बनाना ज़रूर सिखाऊंगा। चौथा है, क्यों वहाँ कोई तकलीफ़ है? क्या है? क्यों वहाँ कोई तकलीफ़ है? तो ये जो भी सेंटेंस आपने पढ़े, वाक्य पढ़े, तो उसमें आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे ये प्रश्नार्थ चिन्ह है या क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ पे ये उद्गार चिन्ह है, फिर यहाँ पे जो चिन्ह है उसे अल्पविराम वो कहेंगे, यहाँ पे भी अल्पविराम है, ये प्रश्नार्थ चिन्ह है, और ये जो है उसे पूर्ण विराम कहेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। इस रुकावट का संकेत देने वाली लिपि चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अभी ये जो मैंने पढ़े उसमें क्या है, लक्ष्मी स्कूल क्यों नहीं आई, फिर थोड़ी देर रुकते, तो उसका मतलब यहाँ पे कोई चिन्ह आता है, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। कोई भी सेंटेंस पढ़ते समय बीच में हम रुकते हैं, थोड़ा समय रुकना पड़ता है, तो ये जो है उस बीच में चिन्ह लगाते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। तो ये जो भी चिन्ह है, पूर्ण विराम, प्रश्नार्थ चिन्ह, उद्गार चिन्ह, ये सभी को हम सीखने वाले हैं। तो पहला विराम चिन्ह है वो है पूर्ण विराम, जिसे इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हैं। इसका प्रयोग कब होता है? वाक्य पूर्ण होने पर होता है। कोई भी वाक्य ऐसा होता है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया है, मोहन ने पत्र लिखा, सीता स्कूल नहीं गई, मैं स्कूल जाता हूँ, मैंने काम किया। तो ये जो भी सेंटेंस है उसके अंत में, उस वाक्य के पूर्ण होने पर ऐसे जो लाइन दी गई है उसे पूर्ण विराम कहेंगे। ये जो चिन्ह है वो वाक्य पूर्ण होने पर आता है, उसे पूर्ण विराम कहेंगे। फिर दूसरा चिन्ह है अल्प विराम, ये वाला। तो उसमें क्या आएगा, अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए होता है। अल्प विराम, अल्प यानी थोड़ा और विराम यानी रुकना, थोड़ा रुकना उसे अल्प विराम कहेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, राम फिर थोड़ा हम रुकते हैं, सीता और मोहन घर गए, वाक्य के अंत में ये पूर्ण विराम। रोको मत जाने दो, तो अभी जो सेंटेंस मैंने बोले उसमें राम, उसके बाद मैंने विराम लिया, फिर है रोको मत, फिर थोड़ा विराम लेने, तो उसे अल्प विराम कहेंगे। जैसे लाल लीला पीला, ऐसे कोई कलर हो या फिर कोई प्राणी का नाम हम लिखते हैं तो उसके बीच में हम थोड़ा रुकते हैं, तो फिर उसे अल्प विराम कहेंगे। तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है कि भाई कोई भी व्यक्ति से हमें कुछ जानना है, हम लेना है, तो वो वाक्य के अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह आता है। तो यहाँ पे लिखा है, किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, क्या तुम विद्यालय गए थे? तो ये जो है वाक्य वो
दूसरे व्यक्ति जवाब लेने के लिए पूछा गया है, उससे हमें कोई जानकारी मिलती है। तुम क्या करते हो, हम किसी से कुछ पूछते हैं तो वो हमें आंसर देता है। तो किसी से भी जानकारी हमें मिले, ऐसा कोई वाक्य हम करें तो उसके अंत में ये प्रश्नार्थ चिन्ह आता है। अभी उसके बाद है विस्मयादिबोधक चिन्ह, यानी उसे उद्गार चिन्ह कहते हैं। ये वाला कोई भी ऐसा दृश्य हम देखते हैं तो हम चौंक जाते हैं, हमें आश्चर्य होता है। तो ये आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे कोई ऐसा सुंदर दृश्य देखते हैं तो उसे बोलते हैं, अरे फिर है, बाप रे, वाह, शाबाश, आहा। ऐसा ये जो शब्द है वो सेंटेंस में आए तो उसके बाद में ये जो विस्मयादिक बोधक चिन्ह जिसे उद्गार चिन्ह कहते हैं वो आता है। तो यहाँ पे है वाह, आपने तो कमाल कर दिया। दूसरा है अरे क्या हो गया। भी अच्छे नंबर लाते हैं तो हम उसे शाबाशी देने के लिए कहते हैं, वाह बस, ऐसे प्रयोग करते हैं। तो वो सेंटेंस के बाद हम थोड़ा रुकते हैं, फिर क्या होता है वो पूरा होता है। तो ये जो बीच में विराम लिया हमने, वहाँ पे क्या आएगा, विराम चिन्ह। फिर है योजक। योजक यानी योजक चिन्ह का प्रयोग सामसिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। सामसिक यानी क्या, सुख दुख, माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश, ये जो उसका ओपोजिट है उन दोनों का सामसिक शब्द बीच में ये लगाया जाता है। तो एग्जाम्पल है सबके जीवन में सुख दुख रहते हैं। फिर है माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है। तो यहाँ पे भाई बहन, माता पिता, सुख दुख, फल फूल, तो ये जो भी है से योजक हम कहेंगे वो लगाया जाता है। अभी है निर्देशक। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। जैसे मोहन ने अपने मित्रों राकेश, आकाश, अविनाश से रुपये मांगे। अब यहाँ पे ये निर्देश किया जाता है कि कोई बात को स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है ग्राहक। तो ग्राहक है, इस पुस्तक का क्या मूल्य है, दुकानदार उसका जवाब देता है, यह 25 रुपये की है। तो यहाँ पे दो लोग जब बातें कर रहे हो तो उन दोनों की बातों को निर्देश करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए ये जो चिन्ह है वो उपयोग किया जाता है। अभी आगे है कोष्ठक। कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट। इस शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग होता है। अभी यहाँ पे है कि भाई कोई हमें सेंटेंस लिखा है तो उसका समानार्थी शब्द ब्रैकेट में लिखते हैं, समझना आसान हो इसीलिए हम उसे ब्रैकेट में लिखते। तो यहाँ पे एग्जांपल है अध्ययन हर क्षेत्र में लाभ देता है। तो यहाँ पे अध्ययन का समानार्थी यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, क्या होता है, पढ़ना। अध्ययन यानी पढ़ना हर क्षेत्र में लाभ देता है। तो ये ब्रैकेट का उपयोग कब होता है, कोई अर्थ उसका स्पष्ट करना हो तब ये कोष्ठक का उपयोग किया जाता है। दूसरा है विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो विरुद्धार्थी का दूसरा अर्थ क्या होता है, विलोम। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है विलोम, विरुद्धार्थी यानी विलोम शब्द लिखिए। अभी बाद में है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह है वो दो प्रकार के होते हैं, इकहरा यानी सिंगल हम बोलते हैं इंग्लिश में सिंगल कोमा, और दुहरा यानी डबल कोमा इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल इन्वर्टेड कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा। तो सिंगल का कब प्रयोग होता है, तो इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करते समय किया जाता है। अभी ये जो है सिंगल कोमा इकहरा अवतरण चिन्ह वो कब होता है, तो कोई हम
पुस्तक का नाम हो, कोई पाठ का, कविता का, कोई ऐसा नाम हो, तो वो दर्शाने के लिए सिंगल कोमा का उपयोग होता है। इकहरा अवतरण चिन्ह उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, समझदार नन्ही पाठ के लेखक है शंकर सुल्तानपुरी। तो यहाँ पे समझदार नन्ही वो सिंगल कोमा में लिखा है क्योंकि वो एक पाठ का नाम है। दूसरा है, सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है। व्यक्ति का उपनाम दर्शाने के लिए ये जो है सिंगल इन्वर्टेड कोमा इखरा चिन्ह का उपयोग किया है। अभी है दोहरा, डबल कोमा का उपयोग कब किया जाता है, तो वो किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अभी दोहरा जो चिन्ह है वो कब किया जाता है कि भाई किसी महान व्यक्ति के जो बोल हो, उसने जो उपदेश दिया हो, कोई ऐसा सूत्र दिया हो, तो वो दर्शाने के लिए डबल कोमा का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे है, महात्मा गांधी जी ने कहा है कि, तो यहाँ पे ये निर्देशक किया है कि उसने बोला है, महात्मा गांधी ने, तो वो निर्देशक भी आ गया। क्या बोला है, प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। तो ये जो पूरा सेंटेंस है वो जो बोला है वही मूल रूप में ऐसे ही लिखा है। तो कैसे लिखा है, डबल दो चिन्हों में। फिर है, शास्त्री जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान। तो ये जो प्रसिद्ध सूत्र है, ये जो नारा है जय जवान जय किसान ने बोला था वही से लिखा था, वैसे ही यहाँ पे लिखा गया है, उसका मूल स्वरूप है। तो वहाँ पे दोहरा चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे है वो आपको विराम चिन्ह लगाना है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो पहला है, छी छी तुमने ये क्या किया। तो यहाँ पे उद्गार चिन्ह, क्योंकि यहाँ पे आश्चर्य घृणा दिखाई दी गई है, घृणा का भाव दिया है, इसीलिए ये है तुमने क्या किया, और पीछे आएगा प्रश्नार्थ चिन्ह। फिर है, वैशाली ने मयंक से कहा घर चलो। अब यहाँ पे कौन सा आएगा, वैशाली ने मयंक से कहा, फिर आएगा अल्पविराम, हमें थोड़ा विराम लेना पड़ा इसलिए अल्पविराम। फिर है, घर चलो पूर्ण विराम। फिर है, वाह मज़ा आ गया। तो वाह यानी आश्चर्य का भाव है, इसलिए उद्गार चिन्ह, विस्मय अधिक चिन्ह, मज़ा आ गया, उसके बाद पूर्ण विराम। अरे तुम नहीं गए, अरे के बाद उद्गार चिन्ह, तुम नहीं गए, उसके बाद प्रश्नार्थ चिन्ह। तो ये जो क्वेश्चन 8 है वो आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है, और यहाँ पे ये पिक्चर दिया है उसमें रंग भर के ये चित्र पूरा करना है।